नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त इंडिया में। मेरा नाम है कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वप्न में यदि आप हाथ देखते हैं क्या मतलब होगा इसका। तो ये प्रभाव कैसे दिखलाएगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम कि इसके अलग अलग प्रकृति और अलग अलग स्थितियों के बारे में। यहाँ पर स्थितियाँ यदि अलग हो जाती हैं तो उसका प्रभाव भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन है वो ये है कि स्वप्न में आप केवल हाथ देखते हैं, तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपकी मुलाकात आपके कुछ अच्छे मित्रों से होगी। वहीं दूसरी स्थिति ये है कि यदि आप हाथ देखते हैं जिसमें चित्रकारी की गई है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना गया है, जबकि ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वहीं तीसरी स्थिति ये है जहाँ पे आप हाथ धोते हुए देखते हैं, तो ये एक और भी अच्छा स्वप्न नहीं है, और भी अच्छा स्वप्न नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में यदि आप कोई काम करते हैं तो वो काम अपूर्ण रह जाएगा, यानी उस काम को पूर्ण करने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे थी तीन स्थितियाँ अलग अलग, जिसमें एक का प्रभाव अच्छा था, दूसरे का थोड़ा कम अच्छा था और तीसरे का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस संबंध में मैंने जो आपको जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और बातों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दबाइए बेल का आइकन, और यदि ये वीडियो आपके आई है किसी काम तो आप इसे लाइक कर दीजिए, दूसरों के काम आ सके ये वीडियो इसलिए सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, साथ ही कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा।